राहुल और अखिलेश की तो ऐसी गाड़ी है बिना पहिए की, जितकू टेल लेकर गोत को लुढ़क गई। उनके गठबंधन से क्या होगा? शेर चाहिए बढ़िया पंजो मारने वालों। लड़की तो पसंद करे ना रही, देश तो जब पसंद करेगो नहीं, अब तक ब्याह कर लेते राहुल गांधी है, वह को ब्याह ही ना है रो। किसका? राहुल गांधी को। कोई लड़की पसंद ना कर रही तो कर नहीं रहे ना शादी। हाजी करना रहे है ही ना रही, कोई लड़की ना पसंद कर रही। अगर भैया कुत्तान में सुख्तर हो, बड़े बूढ़े की कहावत है, तो गंगा जी ना आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए भैया मोदी ही वोट देंगे। पंजाब के वो दबंग आदमी सब आके बैठ जाते हैं, विपक्ष वाले बैठाते हैं उन्हें। किसान तो भैया खेतों में काम कर रहा आपने, किसान कहाँ है? किसान होते तो वहाँ, वो घर से बाहर जो फरार नहीं, घर का काम धंधा ना करना पड़े उन्हें, वो ठलवार में टोलते हैं ना, वो उधर वो जाते हैं बंदे। हाँ पैसे मिलते हैं, वो जाते हैं वहाँ, और क्या। तो क्या आप भी अपने को मोदी के परिवार? हम मोदी के परिवार से मानते हैं। हम तो मोदी के भाषण सुन के ऐसे लगता है कि मोदी में घुस जाओ। जब तक मोदी है हम हैं, जब तक वोट वही देंगे। मोदी का परिवार ही मानो या तो। मोदी का परिवार है जी हाँ। लेकिन लालू कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं। हाँ लालू भारी में पकड़ दो। क्या नाम है भैया? रामफल सिंह। किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? मोदी ही बनाएंगे और कैसे। अभी तो अखिलेश यादव को बना रहे थे। अजी वो तो कहने वाली बात है। इतनी जल्दी बाजी पलट दी आपने। ये सब दे रहे तो मैं अकेले थे बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरी बार बड़े फैसलों का दौर होगा, आपको क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा हमारा, इससे बड़ा क्या होगा? और मोदी जी इसीलिए आएंगे, इसीलिए हम उसे लाएंगे। पूरी इंडिया इसी मारे जिता रही है मोदी जी को कि राष्ट्र घोषित हो जाए हिंदू राष्ट्र। हाँ उन्होंने बैठाए तो थे, दो बार मौका दिया था पब्लिक ने, मनमोहन सिंह बैठा दिए, वो गांधी जी का बंदर बन के बैठ गए 10 साल। कुछ किया उन्होंने? भैया क्या नाम है आपका? अंकित तालान। अंकित तालान जी, कैसे देख रहे हैं इस बार माहौल क्या है जेवर इस लोकसभा क्षेत्र? बढ़िया चल रो भैया। किसके पक्ष में माहौल है भैया? इतनी पता, बीजेपी ये वोट देनी है। क्यों? बस ऐसे ही, विकास बढ़िया कर रही है। क्यों देना है? विकास बढ़िया कर रही है। और राहुल गांधी को ना देनी? क्यों? बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। हाँ मंदिर बनाया हमारा जी, राम मंदिर सबसे बड़ा अच्छा काम तो ये करे मोदी ने। गुंडागर्दी खत्म कर दी, विकास अच्छा हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गांव की गलियां हर चौबारे अच्छे हैं। योगी बाबा मोदी बाबा चाहिए हमें, और न चाहिए कोई भी। बहन बेटी अच्छी तरीका से चलती है रोड पे, रात हो या दिन, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। पहले समस्या थी, पहले समस्या थी अखिलेश के राज में भी, राहुल राहुल पे तो बोलना ही नहीं आता है। अरे योगी बाबा है, मोदी जी है, बेदेखे बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने गठबंधन किया है मोदी को हराने के लिए। उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी पर, ये मोदी आएगा यहाँ पे, गठबंधन रखा रह जाएगा उनका। देखिए किसान, अब आप ज्यादातर यहाँ पर लोग किसान हैं, किसान कुछ लोग किसान ऐसे भी जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, वो किसान ही नहीं है। पंजाब के वो दबंग आदमी सब आके बैठ जाते हैं, विपक्ष वाले बैठाते हैं उन्हें। किसान तो भैया खेतों में काम कर रहा आपने, किसान कहाँ है? किसान होते तो वहाँ, वो घर से बाहर जो फरार नहीं, घर का काम धंधा ना करना पड़े उन्हें, वो ठलवार में टोलते हैं ना, वो उधर वो जाते हैं बंदे। हाँ पैसे मिलते हैं, वो जाते हैं वहाँ, और क्या। किसान किसान खुश है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से बहुत खुश है किसान। वो क्या गलत कर रहे हैं ये बताओ, किसानों के लिए क्या गलत कर रहे हैं? कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं अभी तो। अब की बार 400 सीट पार मोदी सरकार, तो भाजपा का नारा है। हाँ ये हमारा है। हाँ जी आपको लग रहा है 400 पार हो जाएगा? हाँ 400 पार होगा। हाँ हमारे गांव में तो होगा। तो ऐतिहासिक मतलब ये तो इतनी उम्मीद तो मोदी जी को भी नहीं होगी शायद। नहीं नहीं मोदी जी को क्यों, तो फुल है वो, तो फुल है उनको तो, सभी जगह भाषण देते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट, 80 की 80। हाँ बाकी सब जीरो। हाँ जीरो बिल्कुल। मायावती भी है? मायावती का कोई अस्तित्व ना। आप राहुल गांधी है? उनका भी ना इधर नहीं है यूपी में। अखिलेश यादव भी हैं? नहीं नहीं यहाँ नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, इसमें मायावती वायावती अखिलेश वखिलेश का कोई रोल नहीं है, ये तो केवल बीजेपी और कांग्रेस। अब कांग्रेस का कोई रोल नहीं है तो बीजेपी आएगी। अब तो जयंत चौधरी भी आ गए भाजपा। हाँ वो तो आते ही, उन्हें तो पहले आ जाना चाहिए था, ये तो लेट आए। देखो गलती करिए, पहले जब वो बुलाए थे जब आए नहीं,
चलो अब आगे अब भी बढ़िया ही है। देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त है, बढ़िया है, चलो सही है। इससे फायदा मिलेगा? अब क्यों नहीं फायदा मिलेगा, पावर से पावर मिलेगी। हा? पावर से पावर मिलेगी। कोई तो मंत्री बनेगा ही पद, उसे कोई ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इसका मतलब पहले गलती की थी अखिलेश यादव से गठबंधन? हाँ पहले गलती की थी उन्होंने, बहुत गलती की थी। जब आना था तो जो अब मैं तुमको आपको बुला रहा हूँ आप आ नहीं रहे तो गलत बात है ना। अब क्यों आए? तो चले आ गए तो कोई बात नहीं। इतनी उम्मीदें मोदी सरकार से आपको क्यों? देखो मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमें इसलिए उम्मीद है अच्छा काम कर रही है देश के लिए। देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आप परिवार को सपोर्ट करोगे वो, लेकिन जनता के लिए उनके लिए सब जो भी करते हैं, विकास से लेके धर्म से लेके जाति से लेके गरीब से सोचते हैं नीचे। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उनके लिए यही परिवार है, 140 करोड़ की जनता ही परिवार है उनका, और कोई नहीं है। ये तो परिवार ये है कि चाचा हैगा उसे सीट दे दी, पापा हैगा उसे दे दी, भैया के दे दी, ये सीटों को अपने ही परिवार में रखते हैं। वो देखो जहाँ राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, आपका छत्तीसगढ़ ले लो, अभी चुनाव हुए वहाँ पे देखो एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना है। और यहाँ पे देखिए कि चाचा को सीट दे दी, कि भैया के चाचा को सीट दे दी, ये तरीका है इन पार्टियों का, अपने ही दायरे में मुख्यमंत्री मंत्री सब पद अपने ही दायरे में रखने चाहते हैं परिवार में। लेकिन भाजपा सरकार में क्या है कि आपको अगर मैं कार्यकर्ता हूँ तो मुझे भी मौका मिल सकता मुख्यमंत्री का, ये है उसकी व्यवस्था, संगठन मजबूत है उसका। लालू यादव के मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद में आजकल ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मैं मोदी का परिवार। आपको क्या लगता है कि मोदी का परिवार है या नहीं? मोदी का परिवार हम लोग हैं सब, ये जनता है पूरी, पूरा देश जितना भी ये देश में लिख रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख रहे हैं कि मैं मोदी के परिवार से हूँ, तो क्या आप भी अपने को मोदी के परिवार से? हम मोदी के परिवार से मानते हैं हम भी। हम तो मोदी के भाषण सुन के ऐसे लगता है कि मोदी में घुस जाओ। हम तो मोदी हैं ये समझ लो। सृष्टि एक है कहने के लिए सब अलग अलग कह दे, नहीं तो सृष्टि तो एक ही है, सब परिवार एक है। मोदी के आगे पीछे क्या है, हम लोग ही तो हैं। आप मानते हैं कि आपका परिवार है? आप भी मोदी के परिवार से? और क्या, परिवार से ही है और क्या। आपके वो मुखिया है? जब तक मोदी है हम हैं, जब तक वोट वही देंगे मोदी की। आप भी मोदी के परिवार से मानते हैं? मोदी का परिवार है? हाँ बिल्कुल, हम तो हैं बीजेपी के पहले से। दादा कुछ कह रहे हैं? मोदी का परिवार ही मानो। क्या? मोदी का परिवार ही मानो या तो। मोदी का परिवार है? जी हाँ। लेकिन लालू कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं। हाँ लालू भाड़ी में पकड़ दो, जो कोई नहीं चलेगी, होगा भाजपा को चलेगी जो चलेगी यहाँ तो। चलेगी जी हाँ। भाजपा जीतेगी? जी हाँ। लालू तो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे मोदी? जी हाँ बनेंगे। आपको भरोसा है? 100% लालू। लेकिन मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक, चारों हो जाए मैं सक्सेस, जो उनकी तो चला क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों दादा फर्क पड़ेगा कोई ना? कोई फर्क नहीं। क्या नाम है आपका? शिवदत्त। शिवदत्त जी इससे पहले भी सरकार रही मनमोहन सिंह की रही, उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन क्या अंतर देख रहे हैं मोदी की प्रधानमंत्री रहते हुए और इससे पहले के प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री बढ़िया है। क्या छोटी है? सब काम बढ़िया कर रहा है। किसान खुश है? हाँ किसान खुश है। किसान खुश है? खूब किसान खुश है, बढ़िया सब खुश है सब। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। मोदी का परिवार है, सब देश सही है, सारा पूरा परिवार उन्हीं का है, पूरे देश में, पूरे देश में देश के लिए कर रहे हो वो जो कुछ कर रहे हो देश के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया। ना ना कुछ ना, ऐसा कुछ ना, वो तो अपने नंबर बनाएंगे, अपने नंबर बना में, वो तो नंबर बना रहे हैं। क्या नाम है भैया? रामफल सिंह। किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? मोदी ही बनाएंगे और क्या। अभी तो अखिलेश यादव को बना रहे थे। हाँ जी वो तो कहने वाली बात है। इतनी जल्दी बाजी पलट दी आपने? ये सब दे रहे तो मैं अकेले थे बने। अकेले तो कहाँ है? आपने पहले ही हार मान ली? हाँ हार मान ली। राहुल है भाई, राहुल को भी अकेला ही मानो। राहुल अकेला है? अकेला ही है, चाहो चार चार हो जाएंगे तो चार से क्या हो। अच्छा इससे पहले अभी हम जब बात कर रहे थे, सब लोगों से बात कर रहे थे, उनमें एक बात ऐसे व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव को बनाएंगे इस बार। इसलिए कहा था कि मजाक के टोन में किया था इन्होंने, मजाक कर रहे थे ये जब कैमरा सामने थे नहीं, अब कैमरा सामने आ गए तो सच्चाई आ गई। सबसे पहले ना झंडा भी बीजेपी का लेकर डोलते ही ये तो मजाक में कह दिया।
छिड़ रहे थे इसलिए बोल दिया उससे। राहुल गांधी कह रहे हैं, अक्सर केजरीवाल भी कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री आ गए तो समझो लोकतंत्र खत्म हो जाए। देश को तो यही बेच रहे हैं जो कह रहे हैं। मोदी क्यों बेच रहे हैं देश को बताओ, कैसे बेच रहे हैं मोदी? थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा उस पर पैसा वालों को ज्यादा ध्यान रहता है वैसे उनका, ये भी सही ये भी उनका गलत है। गरीब माँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि इंडिया में करोड़पति अरबपति उनमें ज्यादा ध्यान उनका, मोदी जी का, मोदी जी का सेट है। वो सोचते हैं आगे की, टारगेट सेट है एकदम। इनके पास जो दूसरी पार्टी है इनके पास कोई टारगेट सेट नहीं है, ये तो बस कि मोदी जी ने यहाँ चोरी कर ली वहाँ करा दिया, इनके पास यही टारगेट है। वो मोदी तो 2047 तक भारत को एकदम विकासशील देश बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना, हाँ विकसित बनाना चाहते हैं बिल्कुल। और 2000 देखो हमारी इकोनॉमी अब डेवलप कर रही है, अभी मैंने कुछ आंकड़े देखे तो 8.4 की समथिंग हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है, जो अभी ताज़ा रिपोर्ट में आया है। तो इस हिसाब से जो माना जाए कि जो हाँ हाँ जो 2029 में ये डेवलप होती जो पहुंचती रफ्तार वो अब 27 के अनुमान के हिसाब से हो जाएगी। तीसरी जो अर्थव्यवस्था हमारी होगी अमेरिका और चीन के बाद जो तीसरी भारत की अर्थव्यवस्था होगी वो हमारी होगी, भारत देश की। कह दिया मोदी जी ने, अगर तीसरी बार मौका मिला तो हम तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था हम देंगे। कौन देगा मौका, जनता ही तो देगी। तो जनता आपके पक्का है, श्योर है 400 के पार होगी। जब मोदी प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो अपने भाषण में एक वायदा करते हैं कि मोदी की गारंटी है अगर तीसरी बार आए तो हम देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है, भरोसा है, भरोसा है पूरा। अगर मोदी जी वहाँ से कोई भी अगर वचनबद्ध अपने तरीका से करते हैं तो वो जनता के दिल पे लगती है बिल्कुल, सीधी बात। हाँ हाँ बिल्कुल, उनने जो कह दिया वो पक्का है, जनता की ओर से भी वो भी बात पक्का। अगर वो 400 मांग रहे हैं ना, जनता उन्हें 400 देगी, ये देगी। लेकिन अब देना क्यों चाहते हैं आप कौन से काम चाहते हैं आप? देखो रोड कनेक्टिविटी देख लो, ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था देख लो जी, पानी का देख लो, शौचालय देख लो, और सबसे ज़्यादा है महिलाओं का, महिला उन्हें बहुत सपोर्ट करती हैं बिल्कुल, न मान लो अपने परिवार का ही है। और हम ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये तो बस अपने परिवार के बारे में दायरे में सोचती हैं कि हमारा परिवार कैसे डेवलप हो, कितना हो, मकान हो, दुकान हो। इनका क्या है, मोदी जी का तो एक एजेंडा 140 करोड़ जनता है, यही मेरा परिवार है, इसके लिए करूंगा, इसके लिए जीऊंगा, इसके लिए मरूंगा। तो आप उस परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल। मानते हैं? मानते नहीं हैं, बिल्कुल हैं। तो मोदी आपके 400 पार है। देखिए उन्हीं मोदी को हराने के लिए गठबंधन बनता है। देखो गठबंधन तो अगर कुत्तों का झुंड बन जाए तो वो भी है, शेर का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते वो। अगर एक कुत्तों का झुंड बना दे गंगा जी नहाएंगे, अगर भैया कुत्तान में सुख्तर हो बड़े बूढ़े की कहावत है तो गंगा जी नहाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भैया मोदी ही वोट देंगे हमारी ओर से, तो बीजेपी सरकार बनेगी। इधर मुस्लिम चचा जान खड़े हैं, क्या नाम है आपका? ये हमारे चाचा मुस्लिम। क्या नाम है कट्टा बंधु है? कट्टा बंधु अजय तालान। तालान साहब क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी और क्या है, भाजपा आएगी, बीजेपी भाजपा आएगी। हाँ वही एक ही बात है। हाँ मोदी पे इतना भरोसा क्यों है आपका? कैसा भी सही काम तो उसने वो किया जो किसी ने नहीं करे। युवा उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान दिल्ली में धरना दे रखा है उन्होंने। करने के लिए मेहनत चाहिए, हाथों में ताकत चाहिए, दुनिया कर सकती है, किसी के ऊपर नहीं है कोई ताकत, तो बाहों में ताकत चाहिए, खुद पैदा कर सकता आदमी। पढ़ो जब पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, किस लिए अनपढ़ो? कह रहे पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं है उनसे, उनके अपने कर्म है। आपको क्यों भरोसा है मोदी पर इतना, राहुल गांधी पर क्यों नहीं है? उसकी सरकार भी देखी है मैंने, राहुल गांधी की। हाँ आज का नहीं हूँ मैं अभी जी, इटली पहुंचा दिया नहीं
देखो जो कर रहा है वो देश के लिए बढ़िया कर रहा है, ठीक है, और नौजवानों के लिए रोजगार भी खोल रहे हैं। जहाँ कोई काम लगता है तो वहाँ नौजवानों के लिए पहले वो है। लेकिन युवाओं में भी ये चाहिए कि हाँ हमारे में हुनर है, हम कर सकते हैं, तो आ जाओ। अब आप तीसरी बार मोदी को क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब क्या उम्मीद करते हैं उनसे? अब तो जो उम्मीद है वो उम्मीद हमारी अपने मन में रहेगी, अब देखेंगे आगे क्या उम्मीद है। तो कैमरे पे क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी उम्मीद है कि अभी मोदी को करनी चाहिए? जो करनी चाहिए वो तो करेगा करेगा, वो उसका काम है, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे, छुट्टी बात करते। हमारा काम है हम करेंगे। मैं एक सवाल का और जवाब लेना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरी बार बड़े फैसलों का दौर होगा, आपको क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा हमारा, इससे बड़ा क्या होगा? और मोदी जी इसीलिए आएंगे, इसीलिए हम उसे लाएंगे, वह हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे अपने देश को, यही सबसे बड़ा फैसला। हाँ और क्या, तुम किसके सपोर्टर हो? अच्छा, नहीं नहीं हम सपोर्टर नहीं है, हम सपोर्टर नहीं रिपोर्टर है। मतलब वोट भी तो दोगे आप, किसकी दोगे? ठीक है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो उनको कैसे और कौन से फैसले लेने चाहिए? यही चाहिए और क्या चाहिए, फैसिलिटी राष्ट्र घोषित हो जाए और अपना बस यही चलता रहे। हमारे जिता रहे पूरी इंडिया, इसी मारे जिता रही है मोदी जी को कि राष्ट्र घोषित हो जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हाँ जनसंख्या, हाँ इसलिए प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी को जनता चाह रही है। तो युवाओं की जोड़ी पर भरोसा क्यों नहीं है, अखिलेश यादव राहुल गांधी? नहीं उनकी कोई जोड़ी नहीं है, कभी किसी में कभी किसी में कुछ नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री लाख थोड़ी है, वो उन्होंने बैठाए तो थे, दो बार मौका दिया था पब्लिक ने, मनमोहन सिंह बैठा दिए, वो गांधी जी का बंदर बन के बैठ गए 10 साल, कुछ किया उन्होंने? राहुल की या अखिलेश बताओ की तो कुछ किया हो तो बताओ, कहीं गए आज तक विदेश, कहीं गए, कहीं किसी से कोई सौदा लाए, किसी से कुछ लाए, वहाँ से कुछ नहीं लाए, 10 साल ऐसे काट दी। आप कुछ कह रहे थे, राहुल और अखिलेश की तो ऐसी गाड़ी है बिना पहिए की, जितको टैल लेकर गोत को लुढ़क गई। उनके गठबंधन से क्या होगा, शेर चाहिए बढ़िया पंजो मारने वालों। सभी ये सभी जितने युवा दिख रहे हैं हमें, सभी मोदी के साथ हैं। मोदी के आ जाओ भाई तुम, वो भी बुजुर्ग मोदी के साथ हैं। मोदी बुजुर्ग मोदी के साथ, हाँ बिल्कुल बुजुर्ग। देखो बुजुर्ग आदमी एज से होता है, शरीर से होता है, दिमाग से या विचारों से आदमी वो नहीं होता बूढ़ा, विचार से और दिमाग से युवा है, युवा एकदम। और राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी तो बच्चा है, वो तो बच्चा, उनके दिमाग से बच्चा है। हाँ उन पर बोलना नहीं आता, कभी खेत से सोना उगलते हैं, कभी आलू को सोना बना देते हैं, उनके विचार ही नहीं मिलते, वो तो राजनीति में घुसाए गए। परिवार चल रहा है कि भाई परिवार में से आ गए तुम भी बन जाओ, जो आदमी किसान करना नहीं जानता उसे जबरदस्ती वह चीज पे बैठा रहे। अगर मैं किसी के काबिल नहीं हूँ तो मुझे जबरदस्ती बैठाओगे, वो कर पाएगा उस काम को? ये तो राजनीति में घुसाए जा रहे हैं कि भाई परिवार हमारा, राजीव गांधी हमारे पिताजी थे, अब हम बन जाएं, हमारा बेटा आएगा वो बन जाएगा। ये जनता के ऊपर है, ये अब परिवारवाद बिल्कुल चलेगा नहीं, मोदी के इस दौर में परिवारवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी की जो बातें हैं उनसे इस ये जाहिर है कि परिवारवाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। लड़की तो पसंद करे ही ना रही, देश तो जब पसंद करेगो नहीं, अब तक ब्याह कर लेते राहुल गांधी है, वह को ब्याह ही ना है रो। किसका? राहुल गांधी को कोई लड़की पसंद ना कर रही, तो कर नहीं रहे ना शादी। अजी करना रहे है ही ना रही, कोई लड़की ना पसंद कर रही, तो समस्या है। समस्या क्या है, बस वही है, पढ़े लिखे हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, बड़े परिवार के हैं, राजघराने, हमें तो लगे ना कहीं ना पढ़े वो, ऐसे ही है। मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे वो? ना दे पाएंगे, ना दे पाएंगे। क्या कमी है, 6,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की उन्होंने? अरे यात्रा तो कहा, यात्रा तो मैं भी चले जाऊँ, यात्रा तो कहा हो, यात्रा से कुछ नहीं होगा, कुछ ना हो यात्रा तो। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, मेहनत तो कहा है, तो क्या करना चाहिए राहुल गांधी को मोदी को हराने के लिए? राहुल गांधी पहले ब्याह करे,
बहू लावे जब ब्याह हो जब जब मुख्यमंत्री जब बनेगा प्रधानमंत्री। आप शादी कराएंगे उनकी? अजी मैं कहाँ से कराऊंगा वहाँ की शादी मोह पह रही है वो लावे को विदेश की, विदेश में कोई पसंद ना कर रहा है। पूनम पंडित कर तो रही थी बुलंदशहर वाली। अच्छा हाँ वो कर लेगी तो उनसे शादी करे। हो तीसरी बार किसकी सरकार? मोदी जी की। तीसरी बार मोदी सरकार। किसकी सरकार? मोदी है भैया। मोदी 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 है जी। मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।